हमारे साथ हैं बिग बॉस सीजन 10 के विजेता मनवीर गुज्जर। तो कैसी फीलिंग है बिग बॉस सीजन 10 के विजेता ये सुन के जो नाम के आगे जुड़ के आएंगे? भाई जिस हिसाब से आप पूछ रहे हो, जितने आप खुश हो इतना ही मैं खुश हूँ, और अगर सब लोग खुश हैं तो मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना इंडिया वाले खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक आम आदमी की जीत हो गई फाइनली सेलिब्रिटीज़ को हरा कर। कह सकते हैं आप भी अब एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सेलेब बन गया और मैंने सेलेब को हराया तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी को हार और जीत वाला कुछ भी सीन नहीं है। मुझे जो काम मिला था मैंने वो पूरे शिद्दत से किया है, और अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी को हराने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था, लेकिन आप खुद जीतने के लिए मैं यहाँ आया था, वो मैं जीत चुका हूँ। बस इतना ही मोटिव था कि यार एक राह पकड़ो और उस पर चलो। कितना प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि अब शायद घर वालों से भी रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं क्योंकि आप जीत चुके हैं। पहले अपनों के बीच रह के अपने जैसा फील नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो कर चुका हूँ मुझे लग रहा है कि अब तो मैं परायों के बीच भी जाऊँगा तो अपना हूँ। अगर आप सब लोग इतना पसंद कर रहे हो तो घर वाले तो पता नहीं कहाँ उठा के ले जाएंगे। बहुत बहुत मन्नू के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपने जो खास दोस्त थे आपके, एक तरह से कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने आपके लिए? सेक्रीफाइस कैसे बताऊँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट अभी पता चला है, पता नहीं मन्नू के हक में था या नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों में ऐसी ट्यूनिंग थी, अगर एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर सकते थे। अब मेरी जीत मन्नू की जीत है, मन्नू जीतता तो तब भी मैं जीतता। एक कॉर्नर की जीत मुझे चाहिए थी, जितना मैं अपने आप को फील करता हूँ उतना ही मैं मन्नू को भी वहीं रखता हूँ, तो ये हम दोनों की जीत है। अब इसमें सेक्रीफाइस हो या एक दूसरे के लिए कुछ करना हो, आप उसको कुछ भी वर्ड दे लो, बस हम जिए तो जिए। प्राइज मनी का क्या करने वाले हैं आप? प्राइज मनी ऑलरेडी सेफ हाथों में जा चुकी है, मेरे हाथ में रहती तो पता नहीं मैं क्या कर देता, लेकिन वो मेरे पिताजी के हाथ में है, वो करेंगे जो उनको करना है। फैन से क्या कहेंगे अब फाइनली जो आपको देखते आ रहे हैं, आप कहाँ देखेंगे आगे? अगर ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो पता नहीं मैं कहाँ निकल जाऊँगा, तो अपने प्यार को जरा बांध के रखें और मुझे भी बांध के रखें, तो जितना अच्छा चीज़ें मिलती रहेंगी आप लोगों से जुड़ने के लिए उतना वो सब चीज़ें अच्छी करता रहूँगा। कोशिश करूँगा भोलेनाथ की कृपा से कि कुछ गलत ना हो और आप लोगों के लिए बना रहूँ। पानी और जो कि बिग बॉस की ट्रॉफी सिर्फ एक कदम दूरी पर रह गई हैं, क्या कहेंगी? कि मैं ये सवाल आई एम श्योर बहुत बारी सुनने वाली हूँ, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी। मैं बिल्कुल इतना बुरा नहीं लग रहा है मुझे, लाइक आई थिंक मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि लोग आकर मुझे पूछ रहे हैं कि ट्रॉफी कहाँ है तो आई फील बैड उनके लिए कि उनको ऐसा लग रहा है कि आई शुड हैव वन, एंड उनकी उम्मीदों में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, तो ऑब्वियसली उधर तो मुझे बुरा ही लगेगा। पर मुझे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं महसूस होता कि जैसे कि मैं हार गई हूँ। आई एक्चुअली फील लाइक आई हैव वन, मैंने 15 हफ्ते ही ख़त्म कर लिए हैं। मेरे को बहुत सुनने में आ रहा है कि लोगों को बहुत पसंद आया मेरा जर्नी, वो मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इतना जो प्यार जो सुनने में आ रहा है ना, लाइक आई एम जस्ट आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी थैंकफुल कि यहाँ तक पहुँच गई हूँ भाई, और लोगों को अच्छा लगा जो उन्होंने देखा। मनवीर ने ट्रॉफी जीत लिया, कहीं ना कहीं आम आदमी की जीत हो गई, क्या कहना चाहेंगे? अरे यार मनवीर ऑल्सो ना ही ऑलवेज सेज दिस यार, इट्स ओके, लाइक उसको बोलो जो उसको बोलना है, बट ही इज बिकम अ ह्यूज सेलिब्रिटी नाउ। मनवीर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो क्या कुछ एक कमी रह गई बानी की जो आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचे? वैसे तो काफ़ी मतलब आगे तक पहुँच गए आप, लेकिन कुछ लगता है आपको कोई एक कमी रह गई शायद? मेरे को ऐसे बिल्कुल भी लगता कि मुझमें कोई कमी थी या ऐसी कोई कमी थी मेरी जर्नी में, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। आई हैव नो डाउट, नो रिग्रेट्स, नथिंग, लाइक एब्सोल्युटली नथिंग। घर के बाहर आए, आपको गौहर ने काफ़ी सपोर्ट किया, गौहर क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा गौहर के साथ अभी घर के बाहर आने के बाद? बहुत ही अच्छा लगा उसे मिलके, उसकी मम्मी भी आई थी मुझे सपोर्ट करने, विच वॉज सो स्वीट आंटी, थैंक यू सो मच, लव यू। मैं क्या बोलूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी वजह से मैं घर के अंदर गई थी, तो शी बेटर बी सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। दोस्ती है यार, एंड जो जैसे मैं दोस्ती करती हूँ ना, आई डू विद ऑल माय हार्ट यार, तो शी इज़ ऑल्सो समबडी हु डज़ द सेम थिंग, तो या मैन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं। घर में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो मिस किसको करेंगी? वही बिग बॉस की आवाज़ यार, सभी वैसे ज़्यादातर ये बोल रहे हैं बिग बॉस की आवाज़। इट्स ट्रू, क्योंकि इट्स ट्रू बिग बॉस की आवाज़, हम तो हर रोज़ तड़पते थे, इंतजार करते थे बिग बॉस कुछ बोलेंगे कुछ करवाएंगे ऐसा कुछ, तो बिग बॉस की आवाज़। अगर कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो उसमें से एंड सलमान खान, कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो उसमें किसको मिस करेंगे? A couple of contestants obviously, Akanksha, Nitibha, Karan, I love Karan, Karan you're the best, Gaurav of course, who else was there, man in the end, Manveer yeah. अच्छा, कि अब क्या प्लान्स हैं घर के बाहर, आप आ चुके हैं, क्या कुछ करने वाली हैं आगे? हाय, अभी तो मैं फिलहाल सारे इंटरव्यूज़ जो लाइन अप हैं उनको ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग भी काफ़ी इंतजार करके आ रहे हैं, एंड इसके बाद सलमान खान की पार्टी के लिए जाएंगे, होपफुली सलमान सर स्टिल वेटिंग, सर आई वांट टू से थैंक यू प्लीज़ वेट, एंड उसके बाद घर जाएंगे और सोएंगे आराम से अंधेरे में बिना लाइट्स के। ये ओके, थैंक यू सो मच बानी। पंजाबी जो फाइनली बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं, तो पहली बात पूछना चाहूँगा कैसा लग रहा है बिग बॉस के घर से बाहर निकल के? मैं आ जादू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घर से बाहर आकर के, और एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है घर से बाहर आकर के,
मैं उस घर से बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहता था, पर मैं उस घर से बाहर आना चाहता था। आप देख सकते हैं मेरी मानसिक कंडीशन सही नहीं होगी, क्योंकि उस घर में 105 दिन बिना किसी बाहर की दुनिया से मिले हुए, बिना गैजेट्स को देखे हुए, बिना टाइम को देखे हुए, इंसान थोड़ी सी अजीब अजीब सी बहकी बहकी सी बातें करता है। बट बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा उस घर में जा कर के, और मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं उस घर का हिस्सा बन पाया और उस बिग बॉस की आवाज़ के साथ रह पाया। वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ। आप इतना फाइनल के इतना करीब पहुँच के ट्रॉफी नहीं जाना पाना चाहते थे, अगर आपने मतलब ऑप्ट आउट कर लिया तो क्या कहेंगे इसके? सर एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपके हाथ में नहीं होता अपने आप को शुरू और ख़त्म करना, मगर अगर आप चाहें तो आप ऐसे रास्ते चूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। तो सिर्फ इस बिग बॉस के शो के पूरे फॉर्मेट को अगर अपन स्टडी करते हैं तो सिर्फ एक चांस है जिसके अंदर आप बाहर अपनी मर्जी से निकल सकते हैं, वो ये वाला चांस था जो मैंने लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं विनर ना बन पाऊँ, क्योंकि मुझे मेरे बाहर के फ्रेंड्स फॉलोअर्स और सपोर्टर्स के बारे में आइडिया नहीं था। बींग अ कॉमनर मुझे पता भी नहीं था कि बाहर क्या कंडीशंस होगी। बाहर आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ बहुत लोगों को प्यार है, अब किसी को बुरा भी लगा होगा मैंने ऐसा किया, बट एक वो सही डिसीजन था क्योंकि मुझसे एक दो टास्क में कुछ 19-20 हरकत हुई थी, मैं उनको शायद ढंग से पूरा नहीं कर पाऊँगा या मैंने जो चाहा होगा वैसे हो नहीं पाएंगे, क्योंकि चीज़ें आपके बस में हमेशा नहीं होती हैं। तो मुझे लगा था कि मनवीर इस चीज़ को करे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और मनवीर एक डिजर्विंग विनर था, वो बना, मुझे अच्छा लगा। मनवीर जीत गए, कहीं ना कहीं दोस्त के लिए आपने ये कुर्बान कर दी क्या ट्रॉफी, ऐसा कुछ कह सकते हैं? डेफिनेटली अपन ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने उसके लिए कुर्बान नहीं की है अपनी जर्नी, और कोई किसी के लिए एक हद तक पूरा सपोर्ट कर सकता है लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकता। जहाँ पर देने की बात थी कैप्टनशिप की, वहाँ मैं कर सकता था। जहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इंसान ज़िंदगी में करता है, बट ट्रॉफी के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सोलो डिजर्विंग है, उसने खुद ने जीती है वो ट्रॉफी, और मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है कि मैं विनर नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने लोगों के दिलों को जीता है। मुझे इंटरटेनर का टैग बिग बॉस ने भी दिया है और बाहर भी लोगों ने पसंद किया है। मुझे फ़ख्र है मेरी जर्नी पर कि जो मैं डिज़र्व करता था मुझे वो जगह मिली और क्विट मैंने अपने अकॉर्डिंगली किया। लेकिन अगर दोस्ती की बात करें तो कहीं ना कहीं बीच में शो में ऐसा हमने देखा कि दरार भी आने लगी थी, तो क्या जीत के लिए था ये, क्या था? अगर आप लोगों को लगा कि दोस्ती के बीच में दरार आ रही थी तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर 105 दिन 24 घंटे के लिए कुछ लोगों को एक साथ एक घर में बंद कर दोगे तो हम रूटीन लाइफ में अपने घर में भी हफ्ते 10 दिन में मम्मी से, पापा से, बहन से, भाई से, बीवी से, बच्चों से लड़ लेते हैं छोटी मोटी बात। अब वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ टीवी पे अगर बड़ी दिख रही होती होंगी तो दिख रही होती होंगी, बाकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ सबके बीच में होती हैं, मस्तियाँ सबके बीच में होती हैं, बस वही थी। बाकी दिल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे आगे फ्यूचर में। क्या सबसे ज़्यादा मिस करेंगे बिग बॉस घर में, जो कोई टास्क या कोई चीज़ ऐसी? बिग बॉस की आवाज़, वो आवाज़ सबसे ज़बरदस्त थी, उसको सुनकर के हम लोग डर जाते थे, क्योंकि वो बहुत रूल्स को लेकर के, नियमों को लेकर के बहुत पर्टिकुलर हैं बिग बॉस, तो उनकी हमेशा मुझे मिसिंग रहेगी, उस घर की पूरी रहेगी, उस मिट्टी की खुशबू रहेगी, जो घर हर दिन हर अगली सुबह को कुछ एक अजीब सी दुनिया बन जाता था। कभी वहाँ पर बर्फ़ का माहौल होता था, कभी वहाँ पर आंधी तूफान आ रहे होते थे, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो सब मेरे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ज़िंदा रहेंगे हमेशा। इतना अंडर एस्टिमेट मुझे मेरी 30 साल की उम्र में किसी ने नहीं किया जितना बिग बॉस की आवाज़ ने किया। कभी भी कुछ भी करने को बोलते हमको करना पड़ता था। आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर खा सकते हो अपनी मर्जी से, पी सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, इन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस और टाइम बाउंडेशंस थी, तो वो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा उस घर के अंदर। अगर आज भी वो गेट खोलेंगे तो मैं दोबारा अंदर जाना चाहूँगा। एक आम आदमी की जीत भी हुई और एक मतलब आम आदमी जैसे आप लोग गए थे और एक सेलिब्रिटी बन के बाहर आए हो, वो कैसी फीलिंग है? डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक आम आदमी की तरह उस शो के अंदर गया और एक सेलिब्रिटी बन के बाहर आया हूँ, जैसा आप कह रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, और किस इंसान को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो ओवरनाइट एक फेम पाता है, तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं कंस्टेंटली इसको मेंटेन रखूँगा और रिलेट उन्हीं लोगों से करूँगा जिनसे आज कर रहा हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ वैसा का वैसा ही रहूँगा। और अगर फ्यूचर में कुछ काम मिलता है तो आप लोगों को हंसाने की, मस्ती करने की, गुदगुदाने की बहुत सारी कोशिश करूँगा, और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस जर्नी का हिस्सा बना। और आप सब लोग भी ट्राई करो गाइस, अगर फ्यूचर में आप भी कुछ प्लान्स रखते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ज़िंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ इन्हीं शोज़ के थ्रू आसपास देती है। प्लीज़ ट्राई करो, पापा मम्मी से मनाओ, फोर्स करो, रिक्वेस्ट करो, नहीं मानते तो छोटे छोटे से पैसे उनके चोरी भी कर लो, पर प्लीज़ ट्राई करो गाइस। लाइफ एक होती है, कोई रिग्रेट मत छोड़ो और मज़े से उसको जी। लास्टली अब क्या प्लान्स हैं? प्राइज मनी भी मिल गई, क्या कुछ करना चाहेंगे उसके साथ? प्राइज मनी में तो सरकारी टैक्स कटेगा पहले तो बाकी के पैसों के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या करूँगा, और नो डाउट मैं और इंटरटेन करना चाहता हूँ लोगों को, मस्ती करना चाहता हूँ, मजाक करना चाहता हूँ, जितना इंटरेक्ट कर सकता हूँ पब्लिक से उतना इंटरेक्ट होना चाहता हूँ। तो आगे फ्यूचर में जो भी रास्ते मिलेंगे उन सब पे अच्छी तरह चलने की कोशिश करूँगा, संयम से रहूँगा, तरीके से रहूँगा। ये बिग बॉस के तरीके थे, डायलॉग्स, संयम में रहें, दंड मिलेगा वरना, ऐसे कोई बात नहीं करता आम जिंदगी में, पर वो हमसे करते थे।
तो मैं हमेशा अपने कंट्रोल में रहूँगा, तरीके से रहूँगा, इस घर से बहुत कुछ सीख के आया हूँ, इन मेमोरीज को हमेशा अपने साथ रखूँगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं खुश हूँ। हैप्पी? डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं कॉमन मैन की जीत हो गई, अगर कहना जाए शो में जैसा कॉन्सेप्ट था कि सेलिब्रिटी और कॉमन मैन की। नहीं फिर भी आप नहीं नहीं इसमें सेलिब्रिटी कॉमन मैन वाली बात नहीं है, पर आपका जो सवाल का पहला स्टेटमेंट था उतना ठीक था। एक कॉमन मैन जिसे कॉमन मैन की तरह लाया गया था शो में, उसकी जीत हो गई और बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक ऐसा शो जो इंडिया में बनता है जिसे इंडिया वाले वोट करते हैं, उसमें इंडिया वाले की ही जीत होनी चाहिए। वैसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि 15 के 15 इंडिया वाले ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए था एक्चुअल में, कौन डिजर्व करता है? कहना बहुत मुश्किल है, ये वोटिंग की बात हो रही है। एक शो जिसके अंदर फेयरनेस या करेक्टनेस नहीं है तो ये सवाल आप लोगों को इस तरह फ्रेज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये सवाल एक क्या जो सब पॉलिटिशियंस सेलेक्ट होते हैं वो डिजर्विंग होते हैं, वोटिंग जो है वो ओपिनियन होती है, वो करेक्टनेस के ऊपर नहीं होती, वो दिल की बात होती है, कभी कभार सपोर्ट की बात होती है, कम्युनिटी की बात होती है, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। किसी को किसी की सुंदरता अच्छी लगती है, किसी को किसी की दाढ़ी मूछ अच्छी लगती है, तो ये करेक्टनेस या फेयरनेस का सवाल नहीं है, ये वोटिंग का सवाल है। तो उन्हें वोट मिले होंगे, लोगों ने उन्हें पसंद प्यार किया होगा तो वो जीते हैं, वेरी गुड। मुझे लगता है वो डेफिनेटली डिजर्विंग है, 100% डिजर्विंग है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ हुई है एज ई वेंट अलॉन्ग, मैंने फर्स्ट हफ्ते में भी ये कहा था मुझे बहुत ही पसंद थे वो, इसलिए नहीं कि वो उनका कोई रंग रूप मुझे पसंद है, वो मतलब एक यहाँ से जो आदमी करता है ना वहाँ से करता था। बाकी अगर एक आदमी को इस शो में लाया गया है और उस पर प्रेशर है बहुत सारे ऑडिशंस का, और उस ऑडिशन के दौरान उसने कहा गया है कि भाई ये दो टीमों के प्रतिनिधि होंगे, वो एक टीम के होंगे और दूसरी टीम भी होगी, और जैसे गौरव ने भी पहले बोला सारे हिंदुस्तानी हैं सर, हम भी बिल्कुल आम आदमी हैं, मेरे भी माँ बाप बिल्कुल मिडिल क्लास हैं, गौरव के भी, इनके भी, तीनों दिल्ली से हैं, तीनों ही स्ट्रगल कर करके मतलब मुंबई में चांस लग लग के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, और वो लोगों की शुरुआत हो जाएगी, खत्म भी अच्छी बात है और चल ही रही है सर अभी भी, मतलब ये शो कर रहे हैं, इसके बाद एक और शो करेंगे, तो नॉर्मल लोग हैं हम भी सर, तो खाली वो फॉर्मेट शो का सेलेब वर्सेस वो है, तो सबके ही नेवी ब्लू पासपोर्ट है सर, टोटल कम्प्लीटली हिंदुस्तानी है, 104 हिंदुस्तानी फिल्मों में मैंने अपना योगदान दिया है, उन्होंने भी बहुत सारे शोज में 6.5 साल सर इनका शो सुपर हिट रहा है, गौरव 8 रियलिटी शोज जिसमें 7 हिंदुस्तानी हैं, और उसके अलावा टेलीविजन के बिग बी बोले जाते हैं, तो सब हिंदुस्तानी सर काम किया हम लोग। पर्सनल बच्चन साहब, अगर फॉर्मेट की बात की जाए उसमें से अगर बानी टॉप 2 तक पहुंची तो कितनी खुशी होने के लिए, मतलब या हार गई? बड़ी अच्छी मैथमेटिक्स है ना, दोनों टीम के एक एक लोग वहां पहुंचे, मतलब आपका कहना क्या है कि ये कुछ प्लान था? नहीं, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, मेरा मैं इसे लॉजिक की बात कहता हूँ, प्लान नहीं कहता मैं उसे, मार्केटिंग की बात कहता हूँ, मैं प्लान नहीं कहता। आप क्या कहना चाहिए? वेल, मैं तो बहुत खुश हूँ कि बानी यहाँ तक पहुँची, और जहाँ तक दिल चाहता था कि वो जीते और मनवीर भी पहुँचा, ये दोनों ही दिमाग में चल रहे थे कि दे वर द कंटेंडर्स फॉर मी फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, बट आई थिंक दे बोथ प्लेड वेल। मनवीर राहुल भाई की तरह मेरा भी बहुत फेवरेट रहा है, एक दो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि अब ये क्या कर रहा है गेम में, बट देन ही केम अराउंड एंड आई थिंक ही डिजर्व टू विन, बोथ ऑफ देम वर डिजर्विंग एंड ही डिजर्व्ड। लास्टली चीज़ पूछने होगी, आप लोगों को क्या लगता था कि आपका कोई एक ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है पर्सनली कि कम रह गई कि शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? नहीं, मैं कभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता था। मैंने 8वीं बार हाँ करके गया और जो मेरे रीजंस थे वो मेरे रीजंस हैं। नहीं लगती हो कि आपको पर्सनली कि कुछ ऐसा आप नहीं फॉर्म कर पाए या कुछ ऐसा जो आप? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक जितना मैं आप लोगों को भी मिला जब मैं निकला था, आई थिंक आप सब ने यूनानिमसली एक ही चीज़ बोली, जिस तरह गया था उसी तरह वापस आया, सो आई वॉज हैप्पी, आई डोंट नो, एंड एट द राइट टाइम आई केम आउट बिकॉज आई गॉट द बिगेस्ट न्यूज़ दैट आई हैड टू रिसीव, सो आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड जितने हफ्ते वहाँ था खुशी खुशी रहा, इनके साथ बहुत मस्ती की मैंने, एंड आई हैड अ ब्लास्ट एंड आई एंजॉयड मायसेल्फ। मैं तो आप पता नहीं आप शो देखते हैं कि नहीं सर, मैं तो ये 4th हफ्ते में सलमान भाई को बोला था कि मैं शो के लिए फिट ही नहीं हूँ, योग्य ही नहीं हूँ, और इसमें पार्टिसिपेट करने की क्लियर ये रीज़न है कि एंडोमॉल ने मुझे 5 बार लगातार सक्सेशन में अप्रोच किया, मुझे जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से सूटेबल थे मेरे लिए,
तीसरा एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी लाइफ में, तो जिसकी वजह से मतलब आफ्टर माय वाइफ पासिंग अवे दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो चार साल बाद जब काम करने आया हूँ तो मुझे लगे एक ऐसा शो है जहाँ पे आराम से पूरी इंडस्ट्री को लगातार पता लग जाता है कि आदमी काम कर रहा है वापस। इससे पहले डिशुम आई, उससे पहले लीला एक पहली आई, और बहुत सारा काम कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं शो का हिस्सा रहा, और इस बात से ज़्यादा हैप्पी हूँ सर कि अपनी जो डिग्निटी है और ग्रेस है वो मेंटेन रही, और आई एम वेरी ग्लैड कि ये मैंने शो किया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी होस्ट ने, आई मीन अगर नेशनल टीवी पे बोल दिया कि भाई तेरे साथ मैं फिल्म करने वाला हूँ, तो आई थिंक आई एम क्वाइट लकी सर कि सेकेंड इनिंग्स होती नहीं है। मैं जानता हूँ एक फिल्म जर्नी में किसी की चार साल के वनवास के बाद होता नहीं है नॉर्मली, तो आई एम ग्लैड कि गॉड इज स्माइलिंग। रोहन मेरा जो बिग बॉस का फिनाले अभी देख के आ रहे हैं जस्ट, और रोहन क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा रहा फिनाले और मनवीर जीते हैं, सबसे पहले उस पर रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले अगर आप, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मनवीर जीता, क्योंकि बानी और मनवीर में 100% मनवीर डिजर्विंग था। और जो लास्ट हमारा फिनाले टास्क भी हुआ था उसमें मैंने यही कहा था कि अगर मैं अपने से ऊपर किसी को देखता हूँ तो वो मनवीर है, और मनवीर ने कहा था कि वो अपने से ऊपर मुझे देखता है, तो फिर वो ये बोलते हुए वो चले गया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मनवीर जीता। अगर आपकी तरफ से, अगर मुझे मनवीर जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन कोई दूसरा अगर अग्रा और बाकी जो कंटेस्टेंट फाइनल्स थे उसमें से अगर पूछा जाए तो कौन आपके हिसाब से डिजर्विंग था? सी अगर मनवीर के बाद अगर किसी की बात होती है तो मैंने उस फिनाले टास्क का, एक्चुअली जो टास्क एक हुआ था उससे पहले, तो उसके अंदर भी यही सवाल पूछा गया था। हम टॉप 5 थे और पूछा गया था कि 5, 4, 3, 2, 1 किसको होना चाहिए, तो मैंने अपने ऊपर से मनवीर को बताया था, और अपने साथ मैंने कहा था कि अगर मैं अपने आप को बराबर समझता लूपा मुद्रा से तो मुझे लगता है कि मुझे, मैं भी हो सकता था। कहीं ना कहीं मन में कुछ कसक रह गई कि हाँ शायद मैं भी वो ट्रॉफी जीत सकता था, और ऐसा इसलिए ऑब्वियसली बुरा तो लगता है, लेकिन वही मैं फिर से एक बार वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि 105 में से 102 दिन मैं अंदर था घर के, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट मैंने भी पूरे दिन बिताए हैं और बहुत टफ है बिताना, और इतने नज़दीक आकर आखिरी हफ्ते तक मैं पहुँच गया था 15th week तक, इतने नज़दीक आकर आपको जाना पड़े तो बुरा तो लगता है, लेकिन हाँ वेल डिजर्विंग था मनवीर, अच्छा लगा। कमी कहाँ रह गई, मतलब कुछ है ऐसा भी? मुझे लगता है कि लोगों ने वोट कम किए, वोटों में रह गई कमी, वरना मेरी तरफ से तो मैंने पूरा अपना 100% दिया था यार, मतलब मैंने तो पूरी कोशिश की थी। नॉमिनेशंस पूरा 5 हफ्ते एंड के मुझे उन्होंने कर दिया था पूरे सीज़न के लिए, कैप्टनसी छीन ली थी, फिर भी मैं लड़ता गया, टास्क कम मुझे एंड में मिले परफॉर्म करने के लिए, फिर भी जितने मिले मैंने अपना 100% दिया, मैंने तो अपना 100% दिया। अब घर के, घर से बाहर आ गए हैं, बिग बॉस खत्म हो चुका है, अब क्या कुछ करने का इरादा है, क्या कुछ आगे प्लान्स हैं आपके, फैंस जाना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल वेकेशन पे जाने का प्लान है, क्योंकि 102 दिन बहुत ज़्यादा थे अभी तक मैं वहाँ से बाहर, अभी भी जब सो के उठ रहा हूँ तो मुझे वही लग रहा है, नॉमिनेशंस वोटिंग और ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही है, कि अंदर घर की बातें ही आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 102 दिन जो थे वो बेसिकली सिर्फ 102 दिन नहीं थे, वो अगर बाहर की दुनिया में एक साल के बराबर थे कम से कम, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल था। तो लेट्स सी, मैं कोशिश करूँगा कि लेट्स सी मुझे क्या ऑफर्स आती हैं, तो उस हिसाब से अगर कोई मूवी मिले या टीवी सीरियल मिले तो जो भी अच्छा मिले मैं डेफिनेटली करना पसंद करूँगा। लेटर नोट, कांची से क्या बात हुई, मतलब बाहर निकलने के बाद और क्या कुछ मिले उनसे, क्या कुछ बातें? जब मैं बाहर आया था तो मेरी 2 बजे एविक्शन हुई थी, तो जब मैं घर पहुंचा था तो कांची और हिना दी दोनों ही मेरी वेट कर रहे थे घर पर, और उन्होंने पूरा घर सजाया हुआ था, तो बहुत मज़ा आया, और मतलब 102 दिन के बाद जब मिला मैं कांची को तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रोहन हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच। फॉर ऑल द करमा करम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ।